स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि किस तरीके से जब हम डेटा कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम आर डेस्कटॉप सिस्टम टू तो ऑनलाइन सिस्टम तो हमें क्या क्या मुश्किल दरपेश हैं और उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है अभी फ़िलहाल हम ये नोट कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या कमी है ताकि हम उसे अपनी तरीके से ऑनलाइन पर जा पूरी कर सकें ज़्यादातर कमी तो वो है जिसमें हमारा डेटा ही ऊपर नहीं जा रहा लेकिन उधर प्रोविज़न मौजूद है जो डेटा हमारे पास ऊपर नहीं जा रहा हम नोट करें और वहां जाके मैन्युअली उसको करेक्ट कर लें सबसे पहला तरीका तो ये है ये याद रखें दूसरा ये है कि जाने से पहले आप तमाम अपना डेटा और उसकी जितनी भी कमी है वो सारी नोट कर लें ताकि आपको ऊपर जाके ऑनलाइन सिस्टम में जाके ये तमाम चीज़ें करेक्ट करने में जल्दी और आसानी हो अगर आप ये चीज़ें जैसे ही आप लेके जा रहे हैं उस वक्त आपने नोट नहीं की होंगी तो ये हमेशा कमी आपके पास ऑनलाइन सिस्टम में मौजूद रहेगी पिछली दफ़ा हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारा डेटा ऐसा है ख़ासतौर पर लिंक्ड डेटा जिसे हमने कस्टमाइज़ किया है जिसे हमने चेंज किया है वो हमारे साथ ऑनलाइन सिस्टम में नहीं जा रहा अब हम देखते हैं हमारे पास और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास सिस्टम में डेस्कटॉप से आप ऑनलाइन पे बड़ा आसानी नहीं ले जा सकते इसमें एक और चीज़ जो है वो है डिस्काउंट पेमेंट आइटम्स वो हमारे सारे के सारे डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे ऑडिट ट्रेल क्योंकि वन अगेन एक कंप्लीट लिंक्ड चेन है वो भी हमारी फिलहाल हमारे डेटा के साथ कन्वर्ट नहीं हो सकती उसको हमें दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चल रही है जो हमारे सिस्टम के साथ लिंक्ड है आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपके ऑनलाइन सिस्टम सिस्टम के साथ लिंक नहीं होगी हमें उसका ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि क्या ऑनलाइन सिस्टम के साथ चलने वाली वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मौजूद है अगर वो मौजूद है तो हमें वो भी इंस्टॉल करवानी पड़ेगी ताकि हमारा काम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहे हमारे पास फिक्स्ड एसेट के जो आइटम्स हैं अभी उनको आइडेंटिफाई करने का तरीके मौजूद नहीं है हमारे ऑनलाइन सिस्टम में लेकिन ये भी बहुत जल्द आ जाएगा प्राइस लेवल्स अगर आपको याद हो हमने कस्टमर वाइज प्राइस लेवल्स सेट की थी ये भी फिलहाल हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम में आपको नहीं मिलेगी अनअप्लाइड बिल पेमेंट्स ये वो बिल्स हैं जो कि अभी हमने कम्प्लीटली कंप्लीट नहीं किए हैं उनकी तमाम पेमेंट्स वगैरह नहीं आई हैं हर चीज़ जो पार्शल डेटा के तौर पे हमारे पास मौजूद है वो अभी फ़िलहाल ऊपर नहीं कन्वर्ट की जा सकती इसके लिए आपको खुद ही सोच लेना चाहिए कि हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं या हम ये चीज़ें पहले अपने पास कंप्लीट कर लें और कंप्लीट फॉर्म में ऊपर लेके जाएं या हम इनको उस फॉर्म में लेके जाएं कि वहाँ जाके हम इसे कंप्लीट कर सकें यानी कि हम एक स्टेप पीछे लेके जाएं अगर कोई चीज़ अभी उसके पार्शल एक ही इन्वाइस आई हुई है तो वो हम इन्वाइस ऊपर ना ले जाएं हम वो इन्वाइस ऑनलाइन सिस्टम में जाके बना लें और सबसे क्वेंट ऑटोमेटिकली वहाँ बनाते ही चले जाएँ लेकिन ये सारी स्ट्रैटेजी आपने थिंक करके बनानी है बिफोर यू स्टार्ट कन्वर्टिंग योर डेटा फ्रॉम योर डेस्क टॉप टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी तरह एग्जिस्टिंग बजट्स जो आपने बनाए हुए हैं उनको ऊपर लेके जाना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है और ये हमारे डेटा ट्रांसफ़र में लॉस्ट हो जाएंगे आपके कस्टमर का स्टेटस एक्टिव है इनएक्टिव है जितनी आपने डिफ़ॉल्ट उसकी कस्टम फील्ड बनाई हुई हैं इसके अलावा जो आपके प्राइस लेवल्स हैं ये तमाम चीज़ें क्योंकि अभी फ़िलहाल इनके लिए वहाँ प्रोविजन मौजूद नहीं है इसलिए ये ट्रांसफ़र नहीं होती लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत जल्द यानी क्योंकि हमारे पास वहाँ वर्जन नहीं आता अपडेट ऑटोमेटिकली होता रहता है तो हो सकता है कि बहुत जल्द ये तमाम चीज़ें उधर मौजूद हूं। शिपिंग एड्रेसेस क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन आपकी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट एंड डेट ये तमाम चीज़ें जो आपके पास यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पड़ी हुई हैं ये फ़िलहाल हमारे पास ऊपर नहीं जा रही इसी तरह से डेट वेंडर का और कस्टमर का बेस डेटा आप ज़रूर ऊपर आराम से ले जा सकते हैं लेकिन जो भी उसकी स्टेटस की और कस्टमाइज्ड हेडर और फोटस और मुख्तलफ हमने फील्ड डिफाइन की हुई हैं वो फिलहाल हम ले कर नहीं जाते और जा भी नहीं रही रीज़न उसका बड़ा सिंपल है कि हमारे पास ये एडिशन टू क्विक बुक्स की अपना डेटा बेस ये सारी फील्ड्स इन एडिशन टू क्विक बुक्स की ओरिजिनल डेटा बेस मौजूद थी इसलिए ये अभी फ़िलहाल वहाँ डिफाइन नहीं कर पाएंगे ये डिफाइन सब्सिक्वेंटली हो जाएगी हो सकता है कि आपको बहुत जल्द वो मैन्युअली इसको एंटर करने की इजाज़त दे दे और आप वहाँ ये सारी चीज़ें दोबारा से एंटर कर लें जब तक वील हैव टू वेट बट देर आर प्रोविजंस हाउ टू टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन बैक टू आर ऑनलाइन सिस्टम इसके अलावा जितने भी हमारे पास पासवर्ड्स परमिशंस वगैरह हमने दी हुई हैं वो हमने दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेंगी फॉर आर ऑनलाइन सिस्टम ये हमें एक थोड़ा सा मसला नजर आता है लेकिन ये मसला है नहीं क्योंकि ये बहुत बेहतर है बजाय इसके कि आप पुरानी पड़ी हुई सारी चीज़ें लेके जाए आप वहाँ यूज़र वगैरह सारे अपने नए क्रिएट करें जहाँ जहाँ आपने पासवर्ड लगाना है नए सिरे से, से लगाएं एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस ऑन आइटम्स फ़िलहाल नहीं जा सकता सारी चीज़ें वहाँ एक्टिवली जाती हैं इसके साथ ही आप ये याद रखें कि एक जो लिमिटेशन हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी इन ऑनलाइन सिस्टम कि अभी फ़िलहाल जो हमारी इन्वेंट्री पोजीशन है उसकी तमाम कॉस्टिंग मूविंग एवरेज बेसिस पे होती है और आपको याद होगा कि हमने काफ़ी लंबा सेशन इसके ऊपर किया हुआ था कि मूविंग एवरेज किस तरह से कैलकुलेट होता है और किस तरह से सारी कॉस्टिंग सारी प्राइसिंग जो हमारे आइटम्स मौजूद हैं उनकी तमाम मूवमेंट मूविंग एवरेज पे होती है इस वक्त फ़िलहाल हमारे पास जो प्रोविज़न मौजूद है ऑनलाइन सिस्टम में दैट इज़ फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे उसकी प्राइसिंग हो रही है लेकिन क्योंकि आपको साफ़ पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मूविंग एवरेज बेसिस की प्राइसिंग करने पे तो इन ये भी आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा इसी तरह से अनबिल्ड आइटम्स वगैरह की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी फ़िलहाल नहीं जा सकती ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैनुअली री एंटर करना पड़ेगी टू डू लिस्ट रिमाइंडर्स कैलेंडर्स ये फिलहाल आप आराम से ले नहीं जा सकते इसको आपको चेक करना पड़ेगा और दोबारा से रीएंटर करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर इस वक्त हमारे पास हमारे पास जो एक््रूवल बेसिस पे काम हो रहा है और इसी बेसिस पे हमारा काम जारी रहेगा ऑनलाइन सिस्टम पे लेकिन कैश बेसिस पे फ़िलहाल काम नहीं हो सकता ऑन योर सिस्टम लेकिन वंस अगेन ये सारी वो प्रोविजंस हैं जो कि लिमिटेशन हमारी सिर्फ एक आ रही है वो ये है कि सारे लिंक्स उठा के ले जाना डेटा ट्रांसफर से वो पॉसिबल नहीं हो रहा याद रहे कि इस मेन डिफरेंस जो आपने डेटा बैकअप लिया था और जो आप डेटा ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें यह है कि डेटा बैकअप में आपकी तमाम लिंक्स हर डेटा का हर पार्ट उसी तरीके से बैकअप होके पड़ा होता है जो कि अगर आप रिस्टोर करें तो सारा का सारा रिस्टोर हो जाता है लेकिन ये सारे का सारा पॉसिबल है डेस्कटॉप के ऊपर ये सारा डेटा आप उठा के अगर आ ले जाएंगे अपने ऑनलाइन में तो उसकी लिंकेज जो अभी मिनिमल है इसलिए ये सारी चीज़ें इन्वोक नहीं होंगी इन योर ऑनलाइन सिस्टम लेकिन इस पे वन सकैंड वेरी सून वी आर गोइंग टू सी दैट मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन हैंडल्ड लेकिन मेन डिफरेंस क्या है ऑनलाइन और और हमारे डेस्कटॉप में वो है प्राइसिंग का ऑनलाइन सिस्टम हमारा बहुत कम प्राइस्ड है और अपग्रेड्स बहुत जल्दी अवेलेबल हैं इट इज़ गोइंग टू कम एट पार विद आर डेस्कटॉप वर्जन सून और सबसे बड़ी इसकी फ़ायदेमंद ये है कि इसकी प्राइस उतनी है कि जितना कि कोई भी बंदा बाहर के ममालिक में भी और लोकली भी अफोर्ड कर सके जैसे कि आपको पता है कि इसकी प्राइसिंग एक बंदे की पे से भी कम है और यही मसला होता है जब आप डेस्कटॉप खरीद लेते हैं वो एक हेफ्टी प्राइस में हम खरीदते हैं और हम चाहते हैं कि उसी को चलाते रहें लेकिन उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि आजकल की बहुत तेजी से बदलती हुई इस बिजनेस इन्वायरमेंट में आप कभी एक शहर में होते हैं कभी दूसरे शहर में होते हैं कभी फ्लाई कर रहे होते हैं और ऑनलाइन सिस्टम से आप यू आर एट ऑल टाइम्स इन टच विथ योर सिस्टम आप जहाँ भी हो आपने सिर्फ लॉग इन करना है और अपना सिस्टम देख लेना है लेकिन डेस्कटॉप पे फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है इसलिए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं टू ऑनलाइन सिस्टम और उसकी प्राइसेस तेज़ी से नीचे गिर रही हैं और इस वक्त बहुत सस्ता अवेलेबल है वन मंथ सब्सक्रिप्शन इसकी सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू हैव टू हैंडल

नंबर टू हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डेटा आसानी चला जाएगा कौन सा नहीं जाएगा कौन सा इनकम्प्लीट जाएगा और जो इनकम्प्लीट जा रहा है उसको हमने किस तरह से कम्प्लीट करना है हमारे ऑनलाइन सिस्टम में ये तमाम स्ट्रेटजी बनाने के बाद हमने डेटा कन्वर्जन स्टार्ट करनी है ताकि हमारे पास जो डेटा बसानी ना जा सका हो उसको भी हम ऑनलाइन सिस्टम में जाके फौरी तौर पर कम्प्लीट कर लें और जो लिंक्स हमारे टूट गए हैं वहाँ रीस्टैब्लिश कर लें जो डेटा नहीं जा सका जो तोड़ के हमें भेजना पड़ रहा है उसका भी हमें पता हो कि ये पार्शल डेटा गया है पार्शल डेटा हमने दोबारा से री एंटर करना है ये स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे उसके बाद ही एक्सीक्यूट करेंगे जितना टाइम आप स्ट्रैटजी बनाने में लगा लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेटा थैंक यू सो मच